नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी आलोक न्यूज और मेरा नाम है प्रभु। अभी हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 9 में, पूर्णिया नगर निगम के ये वार्ड नंबर 9 का एरिया है, जहां अभी हमारी मुलाकात सपन घोष जी से हुई है। ये जो है प्रत्याशी है वार्ड नंबर 9 से, वार्ड पार्षद प्रत्याशी है। क्योंकि हम पहले बता दें आपको कि वार्ड नंबर 9 के ये सपन घोष जो है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये जब पंचायत कहलाता था वार्ड नंबर 9, जब 10 साल पहले पंचायत कहलाता था, ये यहाँ के उप मुखिया रह चुके हैं। तो इनके कार्यकाल में जो विकास हुई है, लोगों ने इनको सराहा है, इनके कार्य को काफ़ी सराहा गया है। आज भी इनके विकास और इनके काम दिखते हैं, धरातल पे दिखते हैं। तो आज हमारी मुलाकात इनसे हुई और हम अब जानेंगे, चूँकि ये वार्ड पार्षद प्रत्याशी हैं, तो हम ये जानेंगे कि क्या कुछ मुद्दा है जो अब ये करना चाहते हैं वार्ड नंबर 9 के लिए, और कैसा वार्ड चाहते हैं। क्योंकि अब ये नगर निगम में आता है, तो नगर निगम के हैसियत से वार्ड नंबर 9 कितना पीछे रह गया है, जिनको ये पाटने की कोशिश करेंगे। भूतपूर्व उप मुखिया रह चुके हैं, समाज सेवा का अनुभव काफ़ी लंबा रहा है आपका, तो आप जो ज़मीनी हकीकत है, फिर चाहे वो समाज सेवा की हो या धरातल पे क्या कहाँ कुछ दिक्कतें हैं, आपने सब चीज़ों को बखूबी देखा है। तो अब जो आप वार्ड पार्षद के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या कुछ मुद्दा है जिस पे आपको काम करना है, आप किन मुद्दों के साथ लोगों के बीच में जा रहे हैं? देखिए, ये वार्ड नंबर 9 और 8 पहले मरंगा पश्चिम पंचायत था, जो पंचायत से शहर में जब विलय हो गया ना, ये दो भागों में बढ़ी, 8 और 9। लेकिन 8 में जो भी कुछ हो, वार्ड संख्या 9 जो है, ये काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र है, इसका वर्णन नहीं कर सकते। पूरा नगर निगम क्षेत्र में सबसे पिछड़ा अगर है तो वार्ड संख्या 9 है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर आपको पिछड़े तबके के लोग हैं, मजदूर क्लास के लोग हैं। इनके यहाँ आप चारों तरफ नज़र उठा के देखिए, आज से 10 साल पहले जब पंचायत था ना, 10 साल 12 साल पहले, जो पंचायत के समय में जो भी कुछ सुविधाएं इन लोगों को मुहैया हुई थी, उस तरह का तो शहर में भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं है। लाइट नहीं है, बिजली पोले लगी हुई है, सर्वेक्षण नंबर है, मगर उसमें लाइट नहीं है। क्यों? इसके बारे में मैंने कई बार लिख के भी दिया, लोक शिकायत में दिया, लेकिन उस पर कुछ ई नहीं हुआ। उसका है कॉपी मेरे, आज भी यहाँ रही बात शौचालय की, इस क्षेत्र में शौचालय की भारी कमी है। 2 सार्वजनिक शौचालय भी बने हैं, जो जिसमें आपको दिखाएंगे हम अभी, जो 2 साल पहले बन चुका है, 2 साल से वो ताला लटका हुआ, सिर्फ सौभाग्य वस्तु है वो, आज तक लोगों के इस्तेमाल के लिए नहीं है। एक शौचालय तो वर्तमान जो पार्षद साहब थे उनके द्वार पर बना था, वो व्यक्तिगत यूज करते हैं, वो सार्वजनिक लोगों के लिए वो खुलता ही नहीं है। यहाँ अभी तक आवास योजना की भी सुविधाएं लोगों को नहीं दी गई है, और आवास योजना की सुविधा जो है छिटपुट मिली है, लेकिन जिस कदर होना चाहिए उस तरह का दर उस तरह कुछ नहीं हुआ। यहाँ जैसे गरीब समाज के लोग हैं, ये जहाँ अभी हम हैं, ये मुर्गी फार्म ऋषिदेव टोला है, और यहाँ जितने भी बूढ़े 10 साल पहले जिनका पेंशन हम लोग पास कराए थे, वही पेंशन आज भी मिल रहा, नया किसी को नहीं मिला 10 साल में। जितना विधवा बना आपको, जो मैंने राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना होता है, वो उसका भी लाभ नहीं मिला, वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है, जल नल का कहीं कोई अता पता नहीं है, आप बढ़िया से देख सकते हैं। उसके बाद आपको शहरी सुविधा में जो भी चीज़ आती है उसमें काफ़ी नदारत है, शायद ही 10%, लेकिन आपको होल्डिंग टैक्स के कर्मचारी साहब वो बीच बीच में आकर के टॉर्चर करते रहते हैं, होल्डिंग कटाओ। इन लोगों को तो खाने का हैंड टू माउथ है, कमा के लाए खाते हैं, होल्डिंग रसीद कहाँ से कटाएं, इस तरह की स्थिति है। जो भी है बिल्डिंग ये सब कुछ 25-30 साल पहले, जिस समय वो क्या मुख्यमंत्री क्या एक योजना होता था जिसमें कॉलोनी बन के दिया जाता था, वो सब कुछ बिल्डिंग ऐसी है ना कि छत है लेकिन वो खतरा में है, वो टूट टूट के गिर रहा है, वो लोग उस मकान को छोड़ के बाहर झोपड़ी में सोते हैं, उस मकान में नहीं सोते हैं। भूमिहीनों का समस्या आप कैसे दूर करेंगे? देखिए, यहाँ आधे लोगों को पर्चा निर्गत है, बाजगीत पर्चा आपको अंचलाधिकारी द्वारा दिया गया हुआ है, और लगभग आधे लोग जो है जिनके पास ना पर्चा नहीं है, बिहार सरकार की जमीन पर जैसे तैसे अपना मैंने गुजर बसर कर रहा है, या कुछ किसी के रहे थे जमीन पर भी कुछ लोग बस गए हैं, तो ये अपने अंचलाधिकारी या DM साहब से मिलके उनको आवेदन देके सर्वेक्षण करा के जो जिससे रह रहे हैं उनको पर्चा वर्चा निर्गत करा के, ताकि उस पर वो आवास बना के रह सकें, या नहीं तो कुछ बिहार सरकार की ज़मीन भी है जो कुछ बड़े बड़े लोगों के ई में है, आपके दखल में है या कहीं और है, उसको चिन्हित कर उसको निकाल कर वैसे भूमिहीन लोगों को उसमें बसाने का कार्य करेंगे। अच्छा सर, क्योंकि जब चुनाव आता है तो सभी प्रत्याशी जो है बड़े बड़े वादे करते हैं,
लेकिन समस्या कहाँ आ जाती है जब चुनाव जीत जाने के बाद फिर धरातल पे काम देखने को नहीं मिलता है, तो दिक्कतें कहाँ आती है? क्या इच्छा शक्ति की कमी है प्रतिनिधि में, या कहीं सिस्टम का ये दोष है? सिस्टम का क्या, सिस्टम तो सरकार का जो रूल नियम बना हुआ है वो तो है ही, उसमें कुछ है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना, मैंने जो लोग अभी नए कूद जाते हैं समाज के बारे में कुछ भी उनको ABCD नहीं मालूम हो, लेकिन नॉमिनेशन तो जरूर कर देंगे। अभी कहाँ से कहाँ सीमा है वो नहीं पता होगा, कितने हैं या कितने घर हैं, कितने लोगों को पानी नहीं है। अभी जहाँ खड़े हैं यहाँ, हम उम्मीद करते हैं कि 20-20 घर एक एक चापाकल पर निर्भर है, यहाँ शायद ही किसी को मालूम होगा, इस तरह की स्थिति है। तो यहाँ सड़क जो है एक बनी है बहुत पहले, लेकिन आपको पोलों पर लाइट होनी चाहिए, या जो BPL बिजली जो कनेक्शन होता है, इन लोगों को जनरल कनेक्शन है, और किसी के घर में एक TV या पंखा आपको नहीं मिलेगा ये पूरा कॉलोनी में, तो इन लोगों को BPL कनेक्शन हो जाना चाहिए ना, क्योंकि मिनिमम ई पर जो बिजली कम से कम बल्ब चलाया जाए। इन लोगों को जिसमें कनेक्शन दिया गया था तो बोला गया था BPL कनेक्शन है, लेकिन बाद में 10,000-20,000 का बिल जब 2-4-6 महीने में ही आने लगा साल भर में, तो प्राय लोगों का कनेक्शन कट गया था। सबसे पहले जो बूढ़े लोग हैं ना, उनको वृद्धा पेंशन तुरंत उनका चालू करवाना है, जो सिस्टम है उसके तहत ही, या विधवा पेंशन योजना को, उसके बाद हर घर को जो ये पानी की समस्या है, वो बिजली की जो समस्या है, इसको जल्द से जल्द उसको दूर करने का कोशिश करेंगे, और सड़क वगैरह जो है इसको अभी जो इतना गली कुची है, एक भी गली को कच्चा नहीं रहने देंगे, नाला वगैरह भी जहाँ पानी की निकासी, यहाँ पानी की समस्या कम है, पानी जल जमाव की समस्या वार्ड नंबर 9 में कम है, वो बहुत ही कम है, क्योंकि ये साइड में है ना, चारों तरफ थोड़ा खुला वातावरण है, इसलिए ये तो पंचायत क्षेत्र के जैसा है। और जो मकान की समस्या जो रहने की है, आवास योजना के तहत सर्वे करा कर जाँच करवा कर, जरूरत पड़ेगी तो बिहार सरकार से भी मिलेंगे, मुख्यमंत्री जनता दरबार तक जाएंगे, उनको भी निवेदन करेंगे आप अपने स्तर से सर्वे करवाइए, ताकि यहाँ जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो सके, लोगों को घर मिल सके। तमाम मतदाताओं से अपील है कि 28 तारीख को सुबह सुबह जो आप मतदान करने जा रहे हैं, इसमें मेरा खजूर पेड़ छाप 12 नंबर क्रम संख्या पर है, इस पर मतदान कर भारी मतों से हमें विजयी बनावे, ताकि 5 साल फिर पछताना ना पड़े, इस तरह की गलती कतई ना करें कि हम यहाँ वो वहाँ, जिसे भी करना है सोच समझ कर एक योग्य व्यक्ति को कीजिएगा, ठीक है? अगर हमसे भी योग्य कोई है तो आप उन्हें ही कर दीजिए, अगर ये बात कहने की हिम्मत किसी कैंडिडेट में है तो बोले। रहने का आवास नहीं है, और पानी का शौचालय नहीं है, और यहाँ में दिक्कत क्या है कि जो हम लोग को जो जात बारात आते हैं वो भटकते रहते हैं, एक सामुदायिक भवन नहीं बना है, यो हर गाँव में मतलब कि गौशाला गाय के रहने के लिए गौशाला मिल गया है, वो भी दिक्कत है हम लोग, लेकिन ये शहर है, शहर है, हाँ, तो इसलिए हम लोग का दिक्कत नगर निगम होगा, तो चुनाव नगर निगम होकर के हम लोग को दिक्कत हो रहा है, तो अब चुनाव है तो फिर वार्ड पार्षद तो किसी को बनाइए, हाँ बनाइएगा, तो इस बार क्या आप लोग क्या देख रहे हैं, किन में उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ करेंगे? खजूर छाप में करेंगे, उन्हीं को हम लोग सपन दास से आप लोगों को उम्मीद है, क्या लगता है वो काम करेंगे? हाँ करेंगे, हो सकता है कि चुनाव जीत जाने, बहुत काम कर चुका है वो बिना जीते हुए, चुनाव जीत जाने के बाद हो गया, कभी बदल गया होता? नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा वो। आप ये वार्ड नंबर 9 से हैं, और देखते हैं आप खजूर छाप का जो है आप प्रचारक हैं, क्यों आप सपन घोष के प्रचारक क्यों हैं, क्या खासियत? खासियत ये है सर कि वो मेरा समाज में अच्छा काम करता है, और विकास भी लाए, वो लाइट नहीं था, पोल में लाइट जुड़वाया, मेरे गली रूम था वहाँ पर लाइट नहीं व्यवस्था था, दिवाली का पहले लाइट कटा गया, तो हम लोग दिवाली में ऐसे अंधेरे में रह गए। तो ये महादलित बस्ती है, और इनके लिए ईमानदार हैं ये सपन घोर, एकदम ईमानदार है, एकदम ईमानदार है, और कहीं चुनाव जीत जाएंगे नहीं आप लोगों को पूरा भरोसा है, एकदम भरोसा है। चुनाव है तो इस बार किसको वोट दीजिएगा? अबरी वह खजूर साहब के देखे थे, देख अगला बेर तो की कहे छे प्रभात मुखिया रे यहाँ काम करे रे, अबरी यो देखे थे अगला दे कर रहा है खजूर साहब, सपन घोर भैया, सपन भैया जिंदाबाद, खजूर साहब जिंदाबाद।